गरीब को फोन करो ना। तुम वीडियो मोबाइल में वीडियो बना रहा है ये मैम, अभी तो हम उस समय ये 4 मिनट से चालू है, पहले से हम स्टार्ट करो इसको। ये देखो लग रही है तबाही। तो भाई आज की राइड होने वाली है अपनी बीस्ट पे। तो गाइस मैं निकल रहा था संडे राइड पे और भाई लगता है सब्सक्राइबर मिल गए। चलो भाई घुमा लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। चलो ए ब्रो कैसा, ए ब्रो आपने आधे में रुक गया, बाय बाय। तो हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हुए ब्यूटीफुली बहुत ही अच्छी होगी। तो भाई आज का ब्लॉग डायरेक्ट शॉट होगा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ, क्योंकि भाई टू व्हीलर भाई का ना गोप्रो का माइक अडेप्टर हमने ले लिया भाई से, क्योंकि भाई अभी कुछ दिनों तक तो ब्लॉग नहीं करेंगे, कुछ रीज़न है। तो भाई ने मेरे को अडेप्टर वगैरह शेयर कर दिया है। तो भाई अब ना तबाही ब्लॉग्स बनेंगे, क्योंकि मेरे पास अडेप्टर नहीं था भाई। और आज है संडे, तो भाई हमने निकला संडे राइड पे। मैंने सोचा संडे राइड भाई सोलो जाएंगे, बट भाई लोग अपने मुजफ्फरपुर के राइडर लोग हैं कुछ, उन्होंने इनवाइट किया कि भाई आप भी राइड पे आ जाओ। तो जा रहे भाई उनको ज्वाइन करते हैं मोती पुल पे ना भाई, नीरज भाई वेट कर रहे हैं द BR06 राइडर। तो चलते हैं भाई से मिलते हैं। और भाई आज की राइड में ना तबाही मचने वाली है, क्योंकि अपन जा रहे हैं भाई अपनी फुल्ली मॉडिफाइड R15 V3 लेकर। तो भाई समझ रहे हो ना, तगड़ा ब्लॉग होगा आज का। और भाई अब भी तो ऐसा सीन है ना कि एक V3 गाड़ी सैमी भाई की, तो उनके साथ होगी अपनी रेस। हमें फाइनली पहुँच चुके हैं मोती झील में। और भाई आज का सीन ऐसा है ना कि भाई अभी आ रही है R15 V3 स्टॉक, तो भाई अपन सोच रहे हैं ना V3 versus V3 रेस लगा लेते हैं, क्या बोलती पब्लिक। भाई मेरी बाइक का ना चेन स्प्रॉकेट पूरा मतलब ख़त्म हो रखा है, साथ ही क्लच प्लेट का इश्यू, बट कोई चक्कर नहीं भाई अपन जीत जाएंगे, अपने को विश्वास अपने बैटमैन पे। तो चलो थोड़ी बाइक खींच के देखते हैं। ओ भाई तबाही, क्या हाल चाल सरकार, क्या हाल चाल गरीब लोग। सस्ता आर्वन बना दी है लाइट वर्जन। गरीब को फोन करो ना, क्या हुआ पहले चेक करेंगे उसको, बुला देंगे। सर हम क्या बताएं सर, हम लोग तो अपना जा रहे थे ना, हम लोग तो फिर दो आदमी हैं, हम लोग सामने खड़े हम लोग नहीं है, तो हम लोग बात करेंगे। चेक कराएगा फोन करो, हम तो उसको चेक करने के लिए रोक। तुम वीडियो मोबाइल में वीडियो बना रहा है ये मैम, अभी तो हम उस समय ये 4 मिनट से चालू है, पहले से हम स्टार्ट करो इसको। तो गाइस हम लोग निकले भाई संडे राइड पे, और संडे राइड पे भाई बाइक निकालते ही हो गया सीन अपने साथ। भाई पुलिस वाले आ गए और मैं वहाँ से पता नहीं क्यों ना क्यों निकल गया, मतलब मुझे थोड़ा सा अलग टाइप से लगा कि मेरे को रुकना नहीं चाहिए, मैं निकल गया। और भाई अभी पता चल रहा है नीरज भाई लोग को रोक दिए और वो कॉल कर रहे हैं कि लेकर आओ वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या सीन है। तो भाई पहले चलते भाई घर पर, बाइक को पार्क कर देते हैं, उसके बाद भाई चलते हैं स्कूटी वगैरह से, देखते क्या सीन बनता है। मुझे आइडिया नहीं भाई, बाइक पर नंबर प्लेट्स नहीं थे इस वजह से मैं निकल गया, मैं सॉरी बोलता हूँ भाई। नंबर प्लेट भाई कैरी कर रखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ भाई कहीं पर रुककड़। मेरे पास ना नंबर प्लेट है बाइक की, वो लगवानी थी भाई, और तबीयत ख़राब रखी थी मैं लगवा नहीं पा रहा था। बट भाई मैंने सोचा था संडे आज जाकर मार्केट में शॉप पे लगवा लूँगा भाई, बट पता नहीं क्या सीन बना, फिर वो भाई जॉश के लिए बोलते भाई कुछ रीज़न था भाई, इसलिए मैं निकला था, और कोई बात नहीं। बट देखते हैं नीरज भाई से रुक कर बात करते हैं, वो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो गाइस मुझे ना थोड़ा भी दिल नहीं कर रहा ब्लॉग करने का भाई, बहुत ही सीन हो गया मेरे वजह से भाई, कोई वहाँ पर फंस चुका है यार। अब सीन ऐसा है ना, बोलो मुझे बुला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, जाएंगे बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, बस थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट का सीन था और बाइक का नंबर प्लेट, और वो भी ना मैं भाई आज लगवाने ही वाला था, मैं आप लोगों को दिखा देता भाई रुक के, नहीं तो बहुत से लोग बोले हुए कि आप खुद रूल वगैरह नहीं फॉलो करते हो। तो यार संडे था और तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी, मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोला था, तो मैं ना रुक के आप लोगों को दिखा देता हूँ जस्ट कि भाई नंबर प्लेट ना हमारे पास था, मैं लेके चल रहा था, मेरे को पता था कि ऐसा कुछ होगा तो भाई मैं वहाँ पर दिखा सकता हूँ, बट भाई पुलिस वाले समझते कहाँ बात को यार, वो बिहेव ही ऐसे करेंगे ना भाई, मैं क्या बताऊँ। ये देखो ये चेक करो, इधर ना अपने पास नंबर प्लेट है, ठीक है भाई, हम लोग नंबर प्लेट वगैरह लेकर चल रहे थे आज, है ना सोचा था कि अंश भाई शॉप पर जाके नंबर प्लेट लगवा लेंगे, बट भाई ऐसे पहले ही सीन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाएंगे नीरज भाई के पास, बाइक लगा देंगे फ्रेंड के घर पे, और उसके बाद ना
उसकी स्कूटी वगैरह से जाएंगे नीरज भाई के पास और देखते हैं क्या दिक्कत है। नहीं तो लास्ट में होगा तो मैं जाऊंगा, जैसे नीरज भाई बोलेंगे वो बोलेंगे मुझे चलने के लिए, तो मैं जाके वहाँ पर सॉरी वाड़ी लिख कर जो भी रहता प्रोसेस वगैरह वो मैं कर दूंगा, फ़ाइन वगैरह जो भी रहेगा मैं दे दूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। गलती हमारे से हुई है तो भाई मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, कोई बात नहीं है। वैसे देखते हैं क्या सीन है अगर भाई, जस्ट मैंने ना शो कर दिया और ये वाला ब्लॉग मैं अपलोड करूंगा कि नहीं करूंगा मुझे पता भी नहीं है, बट स्टिल मैं शूट कर रहा हूं क्योंकि ना कल को भाई बहुत कुछ सीन हो सकता है, इसलिए मैं ना शूट कर रहा हूं। और पुलिस के लिए भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट है दिल में, बट वही है ना वो लोग ना थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं करते। अभी मैं वहाँ रुकता भी ना तो ऐसा होता ना कि वो लोग ज़बरदस्ती एक चौस नोट के लिए बहुत सारी बातों के लिए ना वो लोग मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू करते, दैट्स वाई मैं बस निकल गया और कोई बात भी नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। देखते क्या सीन रहता है उधर चल के ना, नीडर भाई का क्लिप वगैरह रहेगा तो वो मैं ले लूँगा भाई से और वो ना मैं ऐड कर दूँगा। गाइस अब टाइम आ चुका है भाई बहुत सी बातें क्लियर करने की। भाई अभी ना बहुत से लोग भाई ये वीडियो देख के बोलेंगे कि भाई आप भाग क्यों गए और आपके साथ में जो राइडर थे उसको आपने फंसवा दिया ये सब कुछ, तो भाई अभी ना मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर करूँगा ठीक है भाई, क्योंकि भाई बहुत से लोग ना बहुत सी बातें करते हैं। तो मैं ना पहले क्लियर कर देता हूँ भाई कि सीन क्या हुआ। पहले ना भाई आप लोग ये देखो बहुत से लोग बोलेंगे भाग गए थे आप, ठीक है उस बात को आप देखना ठीक है। मैं भागा क्यों मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में वीडियो में, पहले ना आप लोग देखो भाई जो मेरे साथ के राइडर फंसे थे ठीक है, मैं ना उनसे तुरंत भाई जाकर मिला, अपनी बाइक अपने दोस्त के घर पर पार्क किया और साथ में ना अपने दोस्त को लेकर तुरंत भाई मैं उनके पास गया और मिला ठीक है भाई। झूठ वाली बात नहीं, मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ वो देख लो पहले आप सभी। यार गजब लकी देख रहे हो यार, क्या हो रहा है हमारे साथ यार, गलत कर रहे हैं। सो गाइस आप लोग क्लिप देखा होगा भाई, हम लोग तुरंत गए भाई नीरज भाई से और सार्थक भाई से मिलकर आए और भाई भाई लोग इतने कोऑपरेटिव थे, मतलब बोले तो नीरज भाई तो भाई कसम से वो इतना कोऑपरेट करते थे, उन्होंने थोड़ा भी नहीं बताया हमारे बारे में, लास्ट तक भाई उन्होंने हमें हिडन रखा और भाई मतलब बहुत कुछ सीन हुआ। तो भाई अगर नीरज भाई आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया आज, नहीं तो भाई हमारी बाइक भी सीधी हो सकती थी। अब बता सो गाइस मैं बताता हूँ भाई वहाँ से भागा क्यों। भाई हुआ ऐसा सीन ना कि मेरे बाइक में नंबर प्लेट नहीं था ठीक है, वो मेरी गलती थी, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ ठीक है। अगर सर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आप लोग को भी ना इस वीडियो के थ्रू ना कुछ बातें क्लियर कर सकता हूँ। मेरे बाइक में नंबर प्लेट नहीं था, मैं जस्ट उसके लिए भागा था। और सेकेंड चीज़ ठीक है, मेरे बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ था, एग्जॉस्ट का थोड़ा सा साउंड लाउड था तो आप लोग ना उसके ऊपर ना एक्शन लेते, तो मैं मतलब घबरा कर वहाँ से निकल गया ठीक है। मेरा मतलब माइंड काम है वो दिखाता हूँ मैं आपके सर का नाम बनाना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर का नाम मैं अच्छा करना चाहता हूँ, बट भाई जहाँ पे गलती है मैं वो भी दिखा दूंगा ठीक है। तो अभी सीन ऐसा है ना कि आज संडे राइड पे मैं भी गया था और भाई ऐसा ऐसा पुलिस का सीन हुआ, मेरे बाइक पे एग्जॉस्ट लगा रखा था और नंबर प्लेट्स नहीं थे तो मैं वहाँ से निकल गया ठीक है। और उसके बाद ना हमारे भाई लोग को पकड़ लिया गया था, उन लोगों को जस्ट यही बोला जा रहा था कि जो राइडर भागा उसको बुलाओ, मतलब जो भागा उसको बुलाओ, वो क्या था चोर था क्या था वगैरह वगैरह। तो एक बार बताओ अगर आप कोई राइडर मतलब प्रॉपर हेलमेट में कैमरा वगैरह माउंट करके पीछे बैग वैग लगाकर पूरा राइडिंग गियर के साथ ग्लव वगैरह साथ राइड कर रहा है तो वो चोर कैसे होगा, मतलब ये सेंस वाली बात तो थी ही नहीं पहली बार ठीक है। अब भाई मैं बताता हूँ फिर हुआ क्या, वो बोल रहे बुला दो चलान वालान नहीं होगा साइलेंसर का, मेरे को पता है मैं आता ना उसके वो लोग उनको तो छोड़ देते, मेरी बाइक को सीज कर देते। तो जस्ट कुछ घंटे बाद ना वो लोग डिटेल वगैरह लिए मेरा, मतलब वहाँ पर सार्थक भाई थे उन्होंने बताया कि मेरा नाम वाम गरीब राइडर यूट्यूब चैनल वगैरह, उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, फिर भाई लोग को वहाँ से निकलने दिया गया और उनकी बाइक को रिलीज़ किया गया, तो उनकी बाइक सीज हो गई थी। तो भाई आज का संडे राइड ना यही सब पंगा हुआ। सो गाइस ये लोग बाहर आ गए भाई, इधर देख सकते हो दोनों गाड़ी बाहर आ चुकी है अब। सो गाइस एंड ऑफ द व्लॉग, अगर सर आपने ये वीडियो देखा या फिर कोई भी उस लाइन से ये वीडियो देख रहा था, मैं आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ना कोऑपरेट किया करो बाइकर्स को, हम लोग भी ना बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी सिटी का नाम आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट किया करो, किसी के साथ ऐसे बिहेव मत करो, आप लोग अच्छे से करोगे बिहेव तो हम लोग डर से कभी भागेंगे नहीं, पक्का रुकेंगे जहाँ पर चेकिंग वगैरह रहेगी। और अब ना मैं अपने बाइक पर नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ लगवाने वाला हूँ, साथ ही एग्जॉस्ट चेंज करवा दूँगा, ये प्रॉमिस है ठीक है। और आज के लिए सॉरी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो भागने का कोई पर्पज़ नहीं था, बस मैंने देखा कि चलान वगैरह सीनों का बाइक सीज वगैरह हो जाएगी, बाइकर्स के लिए बाइक की क्या वैल्यू होती है वो सभी को पता है, डैट्स वाई मैं भाग गया कि मेरी बाइक सीज कर दी जाएगी, तो उसके लिए सॉरी। मैं मुझे खुद खराब लगा, मैंने लास्ट में बोला है मैं जाऊंगा, बट भाई लोग बोले कि तुम मत जाओ नहीं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत सीन हो जाएगा, तुमको रख लेंगे तुम्हारी बाइक को फिर मंगवाएंगे ये सब हो जाएगा, तो जस्ट मैं निकल गया था। इस बात की सब कुछ सही है ठीक है, अपनी बाइक अपने पास है, अपनी बैटमैन अपने पास है ठीक है, आप लोग हो ना तब तक भाई बैटमैन तो अपने पास ही रहने वाली है। तो भाई अब सीन ऐसा है ना कि नीरज भाई ना बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा लगा
मैंने पहले भी राइड किया उनके साथ, लेकिन ग्रुप पर राइड किया था, बट आज हम लोग मतलब बोले तो दो तीन बाइक खड़ी थे साथ में, तो उनके साथ ना मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा राइड का। भले उन्होंने राइड नहीं किया साथ में, बट वो इतना कोऑपरेटिव थे ना, मैं क्या बताऊँ। तो भाई उनके चैनल का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ आप लोग सपोर्ट करो भाई को, द बी आर जोसेफ राइडर करके अपने यूट्यूब उनका चैनल है, और भाई ना बहुत ही मेहनत करते हैं, उनका कंटेंट बहुत ही सही है, तो जाके जरूर विजिट करना चैनल पे, और उनको भी सेम प्यार सपोर्ट दिखाओ। आज का ब्लॉग अपन इंटरनेट एंड करते हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो सही लगा होगा, और भाई एंड ऑफ द ब्लॉग, सॉरी सर आप ब्लॉग अगर देख रहे हो तो, मेरा कोई मोटिव नहीं था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे बाइक के, बस वो एग्जॉस्ट और नंबर प्लेट का सीन था, इस वजह से मैं निकला, और डर था लास्ट वाला वीडियो देखने के बाद ना, जो वो पुलिस वाले वो बाइकर साथ बिहेव कर रहे थे, वो देखने का डर बैठ गया था, और कोई बात नहीं था। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, राइड सेफ राइड हार्ड, प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, और साथ में ना अपना ख्याल रखो, राइड सेफ राइड हार्ड, आगे बढ़ते रहो, इन्जॉय करो लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।